आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बराज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले बताते हैं वियर के बारे में बात करते हैं। वियर क्या होता है? एक सॉलिड मेसनरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लो कोई रिवर या स्ट्रीम है, आप इसे ये इस साइड से बह रही है, ठीक है, ये रिवर या स्ट्रीम कह लो। इस एरो को इग्नोर करो, ये देखो ये आपकी ये रिवर है या कोई स्ट्रीम है जो ऐसे बह रही है। अब ये जो इसका स्ट्रीम है, जो ये जो वाटर का लेवल है, इस लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग इसके अक्रॉस एक ऐसा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जो कि इसके जो स्ट्रीम का जो वाटर है उसका लेवल बढ़ा देता है। अब इस स्ट्रक्चर का हम लोग अगर क्रॉस इधर से साइड से देखें, क्रॉस सेक्शन देखें, तो मान लो ये आपका फ्लो कर रहा है रिवर, ये इसका पानी का लेवल है, ठीक, पानी का ये लेवल है इसका। हमें इसका लेवल और रेज करना है ताकि हम इस पानी को डाइवर्ट कर सकें किसी इरिगेशन कनाल में या किसी और पर्पज़ के लिए, हम लोग इस पानी को डाइवर्ट कर सकें, या फिर हमें कितना डिस्चार्ज चाहिए, हमें डिस्चार्ज इसका लिमिटेड कर सकें। मींस मान लो हम लोग यहाँ वियर अगर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो हमें पानी का लेवल ये अभी यहाँ से यहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा तो मींस हम इसे कहीं और भी डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी कैनाल इरिगेशन कनाल में चला जाएगा, या फिर इसका जो फ्लो है उसका जो डिस्चार्ज है उसको हम लोग यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के काम में आता है ये वियर। तो हाई डिस्चार्ज के समय हम लोग ये वियर का यूज़ करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वाटर के फ्लो को, इसका डिस्चार्ज जो होता है वो मीज़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं वियर, और वियर में भी आपका शटर लगा होता है कभी कभी, कभी ये बिना शटर के भी होता है। और जो बराज होता है वो भी आपका एक टाइप का वियर ही होता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस होता है। ये दो पायर्स के बीच में कंस्ट्रक्ट करते हैं, मान लो ये पायर वन पायर टू, तो ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें ऐसे गेट्स लगे होते हैं कुछ ऐसे, इसके इसके ऊपर से रोड बनी होती है, रोड भी बन सकती है, ठीक है, इसमें से पानी बहता है इधर ये स्ट्रीम में चला जाता है यहाँ से ये गिरने के बाद। अब ये जो यहाँ पे गेट्स लगा दिए जाते हैं, इसमें क्या होता था कि ये वियर बना दिया, तो वियर के ऊपर कभी कोई शटर रहता था कि उसका फ्लो को कंट्रोल कर सके, कभी बिना शटर के होता था। तो बराज में क्या है, बराज में क्या लगा दिए, गेट्स। अब गेट्स इसे हमें अब जितना डिस्चार्ज चाहिए, जितना फ्लो चाहिए, जितना पानी हमें रेगुलेट करना है उसके हिसाब से हम ये गेट ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ऐसे करके हम वाटर को रेगुलेट करेंगे। ये एक्सपेंसिव होता है, ये डिफरेंस था वियर और बराज में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वियर और बराज में क्या डिफरेंस है ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल इंजीनियर्स को उसको सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है डिज़ाइन एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पढ़ सकते हो, जैसे कि कैनाल स्केप हो गया और कैनाल फॉल हो गया, ये सब टॉपिक्स पे हमने लेक्चर अपलोड किया है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय।